7 লাগা আছে কই বিঘা আছে ড্রাগন 7 বিঘার উপর আছে 7 বিঘা তো এটা ফুললি প্রোডাকশন আনা নাই আচ্ছা আছে 3 বিঘা তো আছে 3 বিঘার মোটামুটি 12 14 বার বিক্রি আছে আচ্ছা মানে এই সিজন ওর আর কি আচ্ছা কয়বার হার্ভেস্টিং করি পরে বছর কয়বার 7 বার 6 বার नमस्कार कुलम भाई वेलकम बैक टू माय एडिशन प्रिय दर्शकों के समय आप लोग के लिए एक वीडियो ला रहा हूँ। ये वीडियो मतलब आप लोग मेरे इंटरव्यू वीडियो को देख करके पता चला होगा क्योंकि मैंने इसको पहली बार भी डाल चुका हूँ और मैंने इसको फिर से ला रहा हूँ क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो हमेशा एक बार बनता है क्योंकि और कोई लोग ऐसा है देख लिया बस भूल गया लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। ये जो भी फार्मर है एक प्रगतिशील फार्मर है जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं और ये इन भाई ने कई बार अवार्ड भी मिला है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में और ये हमारा सिरांग डिस्ट्रिक्ट का ही है और इसका जगह है बासुगांव है सिरांग डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण में और इसका जो भी गांव है वो तो क्या था कदम तोला वहाँ क्या है वो 3 हेक्टर हॉर्टिकल्चर क्रॉप करता है। कुल मिला के इसका जो ज़मीन है 8 एकड़ है। 8 एकड़ मतलब इसका 30 बीघा होता है। 4 हेक्टर से थोड़ा ज़्यादा है। वो बंदा जैसे माल्टा बेरी करता है और ड्रैगन करता है और स्ट्रॉबेरी भी करता है और कोई दूसरा सब्जियां का भी खेत करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो पेरिनल क्रॉप यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप करता है और वो कितने कमाते हैं भाई मैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बताता हूँ ये वीडियो के जरिए। और अगर कोई मेरा ऐसा है जो व्यूअर लोग हैं तो आसामीज को समझ नहीं पाते क्योंकि हम हिंदी से ज़्यादा बना क्योंकि कभी कभार मैंने बोधो से जो बनाता है तो मेरा कोई बोधो भाषा नहीं समझते वो लोग बोलता है अब सिर्फ बोधो में बनाते आसामीज में नहीं बोलते तो और कोई मेरा बोधो व्यूअर्स बोलता है अब सिर्फ आसामीज में बोलते हैं तो अब लोग बोधो में बना चाहिए इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इंटरेक्शन जो लोकल भाषा से मैं करता हूँ और जब एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो हिंदी से बोलना मैंने शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों आप लोग देखिए देखते जाइए और ये वीडियो एक्चुअली मोटिवेशनल है और ये लाभदायक है क्योंकि हमारा देश अनएम्प्लॉयड से भरा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा है कैट करना भी छोड़ दिया। अनएम्प्लॉयड का संख्या मतलब बहुत तेज से बढ़ रहा है और सरकार भी उस पर बहुत ख्याल कर रहा है और निर्णय लिया है और इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सबसे पहले स्थान पर रखा जाए ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो भी कर्मचारी लोग है जैसे हम जैसा एग्री एक्सटेंशन असिस्टेंट गांव गांव में जाकर के वो लोग को जगाना है मोटिवेट करना है और जिनके पास ज़मीन हो जैसे 3 एकड़ 4 एकड़ यानी 1-2 बीघा होने से भी तो वो लोग जिसके पास 1-2 बीघा ज़मीन है कम परिमाण का भी ज़मीन है वो लोग भी ऐसे लाभवान खेती कर सकता है। मैं इन वीडियो के बाद मैं स्मॉल फार्मर जो जिसको कहते हैं मार्जिनल फार्मर जिसको कहते हैं उन लोगों के लिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मैं ला रहा हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में बंद करिए मैं उन लोगों के लिए मैं ऐसा कहते हैं जो कहते बहुत लाभदायक है और जिस कैट को बहुत कम लोग करता है और कम तो जगह में उसको क्या है करके अच्छा से करके क्या है मुनाफा कर सकता है मतलब आर्थिक दिशा में आगे बढ़ जा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों खेतों में पूरा मन लगाइए खोरो खमाओ और अपना आप जो भी दिमाग है कैट पर पूरा डालो तो देश आगे बढ़ जाने के लिए और आजकल युवा के जो भी अनएम्प्लॉयड का जो भी ठेस जो बाढ़ी जो भी संख्या है उसको देख करके सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य के जरिए देश के बाढ़ी जो भी अनएम्प्लॉयड का समस्या है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति के आधार पर खाया करने के लिए छोटा मोटा स्कीम बहुत सारा दिया गया है। गाइस मैंने जो बोला अकबर अली हमेट का जो भी ड्रैगन का जो भी फल है मैंने लाया इसका सेहरा क्या पिंक और इसका फ्लेश कैसे आप लोग देखिए इसका फ्लेश रेड है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है क्योंकि अक्टूबर महीना में जो मैंने लिया था उस वक्त बारिश नहीं था जब भी बारिश कमती होता है ना तो फल का स्वाद बहुत अलग होता है बहुत मीठा होता है वो तो आप लोग जानिए आप लोग देख के जाइए। तो अभी देख लीजिए भाइयों बहनों
ये था अकबरअली का रेड प्लेस वाला ड्रैगन, बहुत बढ़िया है, मैंने खा लिया है। ड्रैगन माल्टा और स्ट्रॉबेरी बुगुरी असम लेमन अच्छा मैक्सिमम मैंने हॉर्टी क्रॉप्स अच्छा थर बाद क्या खेती करें ना कि धान सान अलग पड़े आ कि कई बीघा मान पड़े अच्छा मुझे हॉर्टिकल्चर क्रॉप कई बीघा से बीस बीघार ऊपर अच्छा तेनाली टर्न ओवर कि आपनर इनकाम तो 30 लाख अच्छा मान हिसाब आ कि खरस बरस एरी दस बार ठीक है मानी अपनी मुठते एज डिस्ट्रिक्ट अफिसर के बेसि कमाय बरिया एने मानी हम लगे और कई बीघा से ड्रैगन सात बीघा अच्छा अच्छा माने सीजनर आ कि अच्छा कई बार हार्वेस्टिंग बसर छत बार आए न माने फल एक हर पीछे थके छत बार है अपनी मुठते न्यूट्रिय मेनेजमेंट कई बार दिए सार तो बसर चार बार तो दी लगे अच्छा ठीक है माने एज आग्रह कृषक माने बरिया मुठते आम चिरांगे निचना मानुर कारण मुठते आम एग्रिकल्चार मुठते जी आए ठीक है मैं एक्सपोर्ट क्वालिटी मानी इंटरनेशनल मार्केट धरव पे इन धुनिया एक मुठते चार सौ ग्राम मान हम सात सौ ग्राम डांगर साइज हमें सात सौ ग्राम आठ सौ ग्राम एक किलो लेके हो जाए ये पिंक रोज वैरायटी पिंक ये पिंक नो है पिंक तो और बेसि मानी दाम है मतलब बहुत थगरा कृषक है एक्चुअली ये वीडियो पिछले साल 2022 का जो भी चिरांग डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन डेज ऑफ ऑब्जर्व किया था चिरांग डिस्ट्रिक्ट में मैंने इस बार तो ये अकबरअली भाई को जो भी मिला था अनियन भाई को मिल गया हमें इसके बारे में बहुत बातचीत किया है क्या 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 करता है और कमाई कितना होता है तो इसका जो भी वार्षिक जो भी अर्जन है इसका जो भी इनकम है ऑल अबाउट 15 to 16 lakhs मतलब इसका जो भी खर्चा है उसको छोड़ के इसका 12 से 13 lakh रहता है तो ये बहुत थैंकफुल मैसेज है भाई इसलिए हॉर्टिक्रॉप्स करना चाहिए हॉर्टिक्रॉप्स करने में इतना परेशानी नहीं होता है साल में दो तीन बार सबको लोग बस और ऐसा कहते हैं जैसे हमारे परंपरा को जैसे धान का खेत हो तो इसमें बहुत बात यह है कि ये नहीं सड़ना चाहिए धान का खेत लेकिन इसमें परेशानी ज़्यादा होता है मैनेजमेंट में बहुत खर्चा हो जाता है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मैनेजमेंट में कम खर्चा होता है और हाई इनकम होता है और इन भाई के साथ मैंने बाद में बातचीत भी किया है वो बोला है इसके पास परमानेंट लेबर 9 permanent labor है और वो लोगों के लिए हर महीने में 8 से 9 हज़ार सैलरी दिया जाता है और कभी कभी इससे भी ज़्यादा लेबर मतलब इसका 9 labor परमानेंट है वो हर साल पूरा 12 month इसका परमानेंट लेबर वो 9 labor ही होता है तो वो लोग को मतलब महीने में कितना जाता है 8,000 में से 8-9 कितना होता है आप लोग को पता होता है हाँ इतना रुपया मतलब ग्रेड टू ऑफिसर भी इससे भी ज़्यादा सैलरी देता है हाँ 72,000 हर महीना 8 × 9 = 72 तो ये भारी भरकम जो भी खर्चा है सैलरी मतलब 9 लोगों के लिए 8,000 करके देना वो तो मामूली बात नहीं ये तो बहुत बढ़िया है और 9 लोगों को एंगेज करके रखना मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है और मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा ये अकबरअली भाई जो है इसके पास नर्सरी भी है और नर्सरी में मतलब ये ड्रैगन भी मिलेगा जो चाहे तो आप लोग दे सकते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे देंगे आप लोगों को और इसके पास क्या है रामबुटान भी है तो ये नया क्या था रामबुटान और ज़रूर मैं उसके घर में एक दिन में जाऊँगा और एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखाएंगे इसलिए दोस्तों आप लोग किसी काम में लग रही है तो कमाइए और अपना संसार अपना भविष्य बनाइए क्योंकि जीने के लिए रुपया चाहिए रुपया कमाना मतलब बहुत तरीका है लेकिन
सही काम करके कमाना वही जिंदगी में क्या है सही आदमी का काम होता है। इसलिए इसका वीडियो इतना ही है गाइस, अगर देख करके ये वीडियो मेरा ये वीडियो को देख करके अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और नया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब शेयर करो ताकि मेरा नोटिफिकेशन डायरेक्ट पुरंत पहुंचे और जानकारी भी मिल सके। तो ठीक है गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हो भारत, जय किसान।